स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ क्रिएचर्स मूव फ्रॉम क्लास 3 एनसीईआरटी बुक यूनिट 10। ओके, पहले इस पोएम को मैं पढ़ूंगी और उसके बाद उसकी मीनिंग बताऊंगी। आप लोग भी अलग अलग सुर में इसको पढ़िएगा। लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज द मोस्ट फन। हम अलग अलग वेज में देखेंगे कि सबसे ज्यादा फन यानी कि मस्ती कौन करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ क्रिएचर्स मूव। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिंब टू लिंब, while flies can crawl straight up a wall and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around, the monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun, they leap and dance and walk and run. So this is the poem. अब इसका मीनिंग बताएंगे। हाउ क्रिएचर्स मूव। क्रिएचर्स मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, है ना। उसमें से कुछ क्रिएचर्स के बारे में बताया गया, जैसे कि द लायन। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। लायन जो है वो अपने गद्देदार पैरों के साथ चलते हैं। द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम टू लिम। स्क्विरल यानी कि गिलहरी, एक लिम यानी कि बॉडी पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे लिम को पेड़ के डालियों को कहा गया है कि स्क्विरल जो है कूदते हुए एक डाली से दूसरे डाली में जाता है। व्हाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। जो फ्लाइज है यानी मक्खी है, वो क्रॉल यानी कि रेंगते हुए वॉल के ऊपर तक चढ़ जाता है। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। और सील्स जो है, ये रहे सील्स, वे डाइव एंड स्विम कर सकते। सील्स यानी कि ये बर्ड्स जो है वो बहुत सागर के ऊपर उड़ते हुए डाइव कर सकते हैं, मीन्स डुबकी लगा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। कितना मस्ती करते होंगे, है ना। द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। वॉर्म यानी कि कीड़े। कीड़े जो है विगल्स करते हुए, अपने पूंछ को हिलाते हुए टेढ़ा मेढ़ा करके सभी तरफ घूम फिर सकते हैं। द मंकी स्विंग्स अप हिज By his tail, जो बंदर है वो अपने टेल के सहारे से, ये देखो टेल के सहारे से स्विंग्स अप, झूला झूल सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक झूलते हुए अपने टेल के सहारे से जाता है। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड। जो चिड़िया है, सभी चिड़िया कूदते कूदते हॉपिंग करते हुए घूम फिर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और उसके साथ ही वे अपने पंख फैला के उड़ भी सकते हैं। सेल यानी कि उड़ भी सकते हैं। बट बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन बच्चे जो हैं, बॉयज एंड गर्ल्स कहा गया है, लड़के और लड़कियों को मिलके बच्चे होते हैं, हैव मच मोर फन, लेकिन इन सभी से ज्यादा फन किसका होता है, बॉयज एंड गर्ल्स का। दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। वे कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं, चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। वे किसी के ऊपर से इस तरह से भी जंप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती कर सकते हैं जो बच्चे होते हैं। तो इसमें, इस पोएम में हर किसी के मस्ती को दिखाया गया है। कितना अच्छा लगता है इस तरह से बातें सोचने में। हम लोग एक तो फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं और हर चीज को इसमें बहुत ही अच्छे से अलंकार सहित प्रस्तुत किया गया है। इसको बहुत सजाकर इस पोएम में सभी क्रिएचर्स के बारे में बताया गया है। तो आप भी इस तरह की कविताएं को एंजॉय कीजिए, अपना मीनिंग को जानने के बाद इसका ड्राइंग कीजिए और दूसरे क्रिएचर्स को देखिए, आप इससे भी कविता बना सकते होंगे। ओके, देन ये कविता यहीं खत्म होता है। अभी हम लोग इसके न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे और इसका वर्ड मीनिंग के साथ हम लोग सेंटेंस में बनाएंगे। न्यू वर्ड्स, पैडेड, लिंब, क्रॉल, डाइव, विगल्स। पैडेड मतलब टू फिल समथिंग विद अ सॉफ्ट मटेरियल, टू फिल समथिंग विद अ सॉफ्ट मटेरियल टू मेक इट सॉफ्ट। जैसे कि आप लोगों के पास सॉफ्ट टॉय होते हैं, उसमें क्या रुई डाल दी जाती है ताकि सॉफ्ट बन जाए, उसी तरह से लायन के इसमें क्या कहा गया कि लायन का पैड जो है वो पैडेड होते हैं, मतलब गद्देदार होते हैं।
आई गॉट द लेटर इन अ पैडेड एनवेलप, मुझे जो लेटर मिला वो एक पैडेड एनवेलप में मिला है. द चिल्ड्रन हैव पैडेड हेडफोन्स, आजकल सभी बच्चों के पास पैडेड हेडफोन्स होते हैं. ओके नेक्स्ट लिंब, एन आर्म और ए लेग. लिंब मतलब होता है बॉडी का कोई भी अंग, लेकिन इस पोएम में आपको लिंब का मतलब पेड़ों के डालियों से कहा गया था, अलग अलग डालियों के बारे में जो कहा गया था वहां पे यूज किया गया था. फिर भी हम अभी लिंब का एक सेंटेंस बनाएंगे. तो कविता ऐसा ही होता है, कविता में किसी भी कवि किसी भी वर्ड के साथ इसका अलंकार प्रस्तुत करते हैं, इसको सजा देते हैं. द मॉन्कीज वॉक ऑन ए ट्री विद देयर लिम्स, वे अपने लिम्स के साथ, विद देयर लिम्स मीन्स वे अपने टांगों के साथ जो चलते हैं उसी को लिम्ब कहा गया है. द डॉक्टर ट्रीटेड हिज सोर लिम्स, उसका जो दर्द, सोर लिम्स यानी कि दर्द वाला लिम्ब के पार्ट. क्रॉल, टू वॉक स्लोली यूजिंग हैंड्स एंड नीज. क्रॉल क्या होता है कि बच्चे जो है, जो इन्फेंट होता है, जो जन्म होता है उसके बाद 6 महीने के बाद वो लोग क्रॉल करने लगते हैं ना, उसी को क्रॉल कहते हैं. ओके द इंसेक्ट्स क्रॉल अंडर द ट्री. क्रॉल रेंगना, रेंगना कहते हैं हिंदी में, रेंगते हुए अंडर द ट्री दिख जाते हैं. द क्रैब क्रॉल्स ऑन द सैंड, क्रैब सैंड पर भी रेंग सकता है. डाइव, डाइव टू जंप इन टू द वॉटर. डाइव यानी कि बहुत जोरों का जंप करके पानी में घुस जाना. आई एम अफ्रेड टू डाइव फ्रॉम द बोट टू द पूल. पूल में, स्विमिंग पूल में बोट बना होता है ऊपर और वहां से जंप करके डाइव करते हैं, तो इसमें इसी को बताया गया. द स्टूडेंट्स एंजॉय टू डाइव, डाइव करना किसी किसी को बहुत पसंद होता है. विगल्स, टू मूव फ्रॉम अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड. विगल्स मीन्स इस तरह से चलना. ओके अप एंड डाउन और साइड टू साइड, इस तरह से या तो इस तरह से चलना. शी विगल्स ऑन हर टोज ड्यूरिंग द क्लास, वो क्लास के दौरान अपने टोज जो है विगल्स कर रही थी, इस तरह से हिला रही थी. हर्ष विगल्स हिज आईब्रोज लुकिंग एट द केक, केक को देखने के बाद वो अपने आईब्रोज को विगल्स कर रहा था, हिला रहा था. ओके नाउ वी विल डू रीडिंग इज वन, अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम. हमें इस पोएम में जितने भी एक्शन वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करने हैं. पहले के लाइंस में इरेज कर लेती हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके जैसे कि द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉस, एक्शन वर्ड्स मीन्स काम, काम वाला ना, कार्य करता, कार्य कार्य, ये कौन सा काम हो रहा है, वॉक्स, वॉकिंग का काम हो रहा है, तो ये अंडरलाइन करना है. स्क्विरल लीप्स, लीप्स जंप करते हुए जा रहा है, तो इसको अंडरलाइन हो गया. व्हाइल फ्लाइज कैन क्रॉल, क्रॉल क्रॉल वर्ड जो है वो है एक्शन वर्ड, स्ट्रेट अप अ वॉल. एंड सील्स कैन डाइव, डाइव मीन्स जंप करना पानी में, और स्विम दोनों ही एक्शन वर्ड है. द वॉर्म विगल्स, बहुत हिलाता है अपने पूंछ को, तो वो भी एक्शन वर्ड है. द मंकी स्विंग्स, स्विंग्स लटक के, लटक के एक डाली से दूसरी डाली में जाना, वो भी एक्शन वर्ड है. एंड बर्ड्स में हॉप, हॉप इज एक्शन वर्ड, जंप करते हुए जाना. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, सेल, सेल मीन्स हिलाना, ये भी एक्शन वर्ड है. बट बॉयज एंड दे लीप एंड डांस, लीप जंप करना और डांस एक्शन वर्ड है. वॉक इज एन एक्शन वर्ड, रन इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड. तो ये सारे एक्शन वर्ड है, आप लोग एक कॉपी में 1, 2, 3, 4 करके ये सारे वर्ड्स मैंने जो अंडरलाइन कर दिए हैं उसको लिख लीजिएगा. नेक्स्ट इज टॉक टाइम, व्हाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन. बॉयज एंड गर्ल्स के ही को ही सबसे ज्यादा मस्ती क्यों, कैसे होती है. बिकॉज, आंसर इज बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोर फन बिकॉज दे कैन लीप डांस वॉक एंड रन. वे बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं, वे लीप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वॉक एंड रन भी कर सकते हैं, जबकि जो दूसरे एनिमल्स है वे किसी एक काम को ही कर पाते हैं, जैसे कि लायन वॉक्स ऑन पैडेड फील्ड. लेकिन बॉयज तो वॉक भी कर सकते हैं, लीप भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, मन करने से डाइव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते, इसलिए उनका फन ज्यादा है. ओके इसमें टॉक टाइम है, लेकिन आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको आंसर मेकिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा बड़े होने के बाद. और खूब लिखिएगा ताकि आपका हैंडराइटिंग अच्छी हो और आपकी स्पीड बनी रहे लिखने की. लेट्स राइट. ओके दिस, ये आपको लिखने के लिए कहा गया है. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. इसमें दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं. तो हमें इनको पहले क्या करना है, हमेशा जब मैच आता है तो हमें पहले पूरा
कॉलम ए पढ़ना है, फिर पूरा कॉलम बी पढ़ना है और उसके बाद हमें मैच करना है, उससे ज्यादा जल्दी नहीं करनी है. लायंस, स्क्विरल्स, फ्लाइज, सील्स, वॉर्म्स, मॉन्कीज, बर्ड्स. कॉलम बी में क्या है? विगल, हॉप, स्विंग, लीप, वॉक, क्रॉल एंड डाइव. ओके, ये सारे वर्ड्स अभी हमें पोएम में मिला था, हमें एक दूसरे के साथ मैच करना है. लायन वॉक, स्क्विरल्स लीप, फ्लाइज क्रॉल, सील्स डाइव, वॉर्म्स विगल, मॉन्कीज स्विंग, बर्ड्स कैन हॉप. ओके, इस तरह से आपको मैच करनी है और जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, कॉलम ए बनाएंगे, कॉलम बी बनाएंगे, उसमें लायंस वॉक, स्क्विरल्स लीप, फ्लाइज क्रॉल, हो सके तो एक हाइफन देते हुए इस तरह से लिख लीजिएगा. मैं लिखने में जोर देती हूं क्योंकि लिखने से ही आपकी हैंडराइटिंग बनेगी, आपका स्पीड भी बढ़ेगा. नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स. अभी जो हमने मैच किया था ये वाला, उसके साथ हमें सेंटेंस बनाने. द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर. ये देखो, सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर. ओके, इस तरह से हमें इसके सभी के सेंटेंस बनाने हैं. द फ्लाइज क्रॉल ऑन द वॉल. द सील्स डाइव इनटू द वाटर. द वॉर्म्स विगल ऑन द क्लोथ्स. The monkeys swing on the trees. The birds hop on the stairs. Next, question number 3. Arrange these movement words from slow to fast. इसमें कुछ वर्ड दिए हैं, इसको स्लो से फास्ट में हमें अरेंज करना है, जैसे कि रन, वॉक, हॉप, क्रॉल. सबसे स्लो कौन सा होगा? क्रॉल. क्रॉल के बाद कौन सा होगा? वॉक. देन हॉप एंड देन रन. रन सबसे फास्ट होगा. तो आपको 1, 2, 3, 4 करके ऐसे लिखना है. नंबर 1 क्रॉल, नंबर 2 वॉक, नंबर 3 हॉप, नंबर 4 रन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से एक साइलेंट वर्ड रहता है. इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था दूसरे वीडियो में. जैसे कि ये है डब्ल्यू ए एल के वॉक, बट हमें कौन सा वर्ड हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम एल को प्रोनाउंस इसमें नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? वॉक, ना कि वॉल्क, इजंट इट? एल हमने लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम वॉक का कर रहे हैं. उसी तरह से स्ट्रेट, इस पे कौन सा नहीं कर रहे हम लोग प्रोनाउंस? स्ट्रेट. जी को नहीं कर, स्ट्रेट एच को नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रोनाउंस. ओके, मोर, मोर में किसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं? ई को नहीं कर रहे हैं. कॉट, H is silent. Come, L is silent. Talk, L is silent. Okay? तो इस तरह से साइलेंट वर्ड को हम लोग को टिक आउट करके लिखने हैं. नेक्स्ट इज से अलाउड. से अलाउड में हमें जोर जोर से इसको पढ़ना है. स्क्विरल, क्वेश्चन, क्वीन, क्विल्ट, क्वाइट, क्विट. Squirrel, squirrel, on the tree, running quiet as can be. Quickly, quickly, come catch me. Quiet or quit. Quiet means धीरे धीरे, quit means उसको छोड़ देना. What do you do when you are bored? जब आप bored हो जाते तब क्या करते हैं? Lakshmana sings a song when she is bored. Ratnakar reads a book when he is bored. Gopal talks to his friends. Anjaya writes a story. Lilamma goes for a walk. Prabhakar goes to sleep. What do you do when you are bored? ये खुद से आपको करना है, लेकिन मैं एक तो कह सकती हूँ कि I go to watch TV, television when I am bored. तो इसी के साथ पेज नंबर 99 में ये पोएम फिनिश होती है. I hope कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरा क्लास. And please watch my video till end
and like, please like my video and keep sharing with your friends, and please subscribe my channel. So keep learning with me and stay safe at home. Thank you.